हे गाइज, तो कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे। तो गाइज, काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि मेरा पैसा प्रोसेसिंग में फंस गया है। किसी का पैसा तो मतलब सक्सेसफुल भी हो गया है, लेकिन उन्हें अकाउंट में अभी तक नहीं गया है। गाइज, तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है। मेरे दो गेम है आईडी हैं जिसमें मैं सक्सेसफुल भी हो गया है पैसा, और मेरे अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। गाइज, अब क्या हो गया है इसका? मैं एक ही रीज़न है जो एक टिप्स बताऊँगा कि वो कैसे आपका पैसा उसमें फंस गया है और आपके अकाउंट में नहीं आया है और सक्सेसफुल हो गया है। तो गाइस, पहले मैं बात करते हैं प्रोसेसिंग की। तो दोस्तों, मेरे जो इंस्टाग्राम में मैंने आईडी दिया आप लोगों को, उसमें काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि भाई मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। लेकिन भाई, मैं किस किस की हेल्प करूँ, किस किस की हेल्प करूँ? मैं सोचता हूँ सबकी हेल्प करूँ, क्योंकि मैं ही एक वो बंदा हूँ जो आपको हेल्प कर रहा हूँ। गाइस, बहुत से लोग हैं, जैसे बहुत से चैनल हैं, तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं। वो सिर्फ आपको अपनी ट्रिक बताते हैं और आप उनकी ट्रिक से गेम डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो आपका जो कमीशन मिलता है वो कमा रहा है। लेकिन भाई, वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा, आपके कभी मैसेज में रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, सभी गेम से प्रॉब्लम करते हैं कि प्रोसेसिंग फंस गया है, क्या हो गया है। तो आप उनके सारे मैसेज देख सकते हो, काफ़ी मैसेज करते हैं गाइस, और ये सब गेम वाले ही रहते हैं। तो बस आपको आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बने रहे ब्लॉग पे। दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम में काफ़ी मैसेज आते हैं मैं किस किस की हेल्प करूं। तो मैं बहुत से बंदों की हेल्प कर देता हूं, जैसे मैं चाह चलो कर देते हैं। मैं मैसेज वैसे मैं हेल्प इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे उसमें आप लोगों की गेम आईडी चाहिए और आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए होता है कभी कभी। तो भाई, गेम आईडी मैं इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि आपका मैं गेम आईडी आपकी लिया और उसी समय आपका पैसा किसी ने हैक कर लिया यार, तो फिर आप बोलोगे कि मैंने गेम आईडी आपको दिया था। तो भाई, इसलिए मैं किसी की गेम आईडी नहीं मांगता हूँ। अगर मैं गेम आईडी मांगता हूँ तो उससे पहले ही पूछ लेता हूँ भाई कि आपको मुझे गेम आईडी दोगे। लेकिन कुछ लड़के तो ऐसे, मैं खाली गेम आईडी ही लिखता हूँ, वो मैसेज कर देते हमने गेम आईडी। लेकिन भाई, आपको गेम आईडी किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि वही गेम आईडी ही आपकी मतलब वही मनी है भैया। तो अगर गेम आईडी आपकी चली जाएगी ना, तो फिर आपका पैसा भी जा सकता है, क्योंकि गेम आईडी के द्वारा मोबाइल नंबर हैकर कुछ भी कर सकता है। क्योंकि पैसे तो बहुत हो गए, तो कम कम पैसे होते हैं 10,000, जैसे 10,000 से ऊपर जिसके होंगे वो तो भैया फिर वो ज़्यादा, किसी के लाख भी। बहुत बहुत ऐसे भाई हैं जिसके अकाउंट में लाख रुपए भी थे भाई, उसने भी मुझे मतलब मैसेज किया, लेकिन मैंने कहा भैया मैं गेम आईडी नहीं लूँगा आपकी, क्योंकि आपके इतने सारे आपके अकाउंट में इतने ज़्यादा पैसे हैं और कुछ हुआ तो भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसकी गेम आईडी नहीं लिया। और बहुत तो गेम आईडी सेंड ही कर देते हैं भैया, पूरी स्क्रीनशॉट सब कुछ, अपना डाटा, आधार कार्ड, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप जो बात करते हो भैया, कुछ चीज़ सीक्रेट रखा करो। तो मैं बात करता हूँ गेम आईडी, ठीक है? तो गाइज, मैंने कल एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, मैंने मैसेज कैसे किया है वो आप लोगों को मैं दिखा दूँगा स्क्रीन पर, ठीक है? कि वो बंदा कब से मैसेज कर रहा था, लेकिन उसका कोई रिप्लाई तो आ रहा था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। मैं सिर्फ एक दो मैसेज किया और मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। भाई, आपको बात इस तरह से करनी है कि वो समझे, ठीक है? ये नहीं आपने एक ही मैसेज लिख रहे हो सर ये, और आपको हिंदी में बात नहीं करना है भैया। हिंदी में बात करोगे तो वो रिप्लाई तो देते हैं, लेकिन आपको वो बात समझते नहीं, क्योंकि ये अदर कंट्री वो है, एप्लीकेशन है। तुम्हें बताइए, मैंने काफ़ी बार बदल रखा है ना, तो इसमें आप FIR कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भाई बच के। और देखो भाई, हमें उस बंदे की क्या क्या दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इंस्टाग्राम उस भाई की आईडी है, यूर चॉइस। तो उसने काफ़ी मैसेज किया है, मतलब गेम वालों काफ़ी मैसेज किया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं की थी। लेकिन मैंने उसे दो चार मैसेज किए, वो मैं अब आपको आगे चल कर दिखाऊँ मैंने क्या बात किया था उनसे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो भाई, जिनकी देख सकते हैं, उन्हें काफ़ी उनने मैसेज किया है, फिर उनने मुझे से बात की, तो मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की। ऐसे ही मैंने काफ़ी लोगों को सॉल्व किए, लेकिन भाई आप क्योंकि भी सॉल्व होगी, आप मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें जरूर वाली तुम्हारी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूँगा। तो उसने क्या क्या बात की, और बाद में उसके पैसे भी रिटर्न हो गए हैं, और उसने लास्ट में 6,000 रुपये विड्रॉल भी लगाया है। मैंने उससे कहा था पहले कम लगा के देख, तो लेकिन उसने ज़्यादा लगा दिया। कोई नहीं, अब उसका पैसा आ भी गया होगा, उसने तो मुझे रिप्लाई नहीं दिया दोबारा। तो बस भाई, अब तो दोस्तों मैंने क्या बात किया था आप यहाँ देख सकते हैं। सर, माय विड्रॉल नॉट कम्प्लीट। आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं अभी ड्यूटी पे हूँ,
तो आप देख सकते हैं मैंने उनने ये मांगा था, उनने स्क्रीनशॉट भी मांगी, मैंने अपने उस भाई की स्क्रीनशॉट भी दे दिया था, उसने इंस्टाग्राम से मुझे स्क्रीनशॉट दिया था, तो उनने दिया था ये देखो। मैंने उनसे बात की और उनकी प्रॉब्लम मेरे सिर्फ 2 से 3 मैसेज में मैंने उनकी बात पूरी कतई क्लियर कर ली और उन्होंने उसका पैसा भी विड्रॉल मतलब जो रिटर्न कर दिया। जो आप देख सकते हैं नीचे का जो लास्ट मैसेज है उस मैसेज को देख सकते हैं आप। तो भैया आपको भी ऐसा ही बात करना है, ज़्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना है। तो अब बात रही भाई मतलब हेल्प करने की, तो मैं हेल्प करूँगा भाई आप लोगों की, लेकिन यार मैं किस किस की हेल्प करूँ। मैं यार मैं जो सोचता हूँ मेन गेम आईडी, आपकी गेम आईडी लेना पड़ेगा तभी तो आपकी हेल्प कर पाऊँगा। तो देखते हैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो तो गाइज। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि मेरे चैनल पे बिल्कुल व्यू नहीं आ रहे हैं। बस अब क्या करूँ, मैं गेम भी डालता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार कोई गेम डाउनलोड करेगा कोई गरीब वरीब बंदा या कुछ यार पैसे डालेगा उसमें तो वो लुट जाएगा बेचारा, क्योंकि लॉस होने का चांस इसमें ज़्यादा है, 10% ही है कि आप विनर होगे, मुझे तो लगता है 90% इसमें लॉस है। तो मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बताता, मेरे साथ बहुत दोस्त रहते हैं, मैं अभी आपको पता ही है रेलवे एम्प्लॉई हूँ तो दोस्तों के पास पैसा होगा, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताता, उनसे यही कहता हूँ कि गेम मत खेलो अभी तक। वैसे मेरे दोस्त कोई कोई खेल लेता है लेकिन कोई नहीं खेलता है, तो हो सके तो आप भी मत खेलना। और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बिल्कुल नहीं खेलना भैया, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो चलते हैं गाइज बस, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं भाई। तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है खटीमा का लड़का। तो चलते हैं गाइज, मैं ड्यूटी जाना है मुझे, क्योंकि अभी मैं ड्यूटी तैयार होके और अभी छत पे आया हूँ वीडियो बनाने, और अब ड्यूटी जाना है क्योंकि टाइम होने वाला, हमारा बायोमेट्रिक पंच होता है तो उसमें तो राइट टाइम पकड़ना होता है। तो बाय बाय भाई।